Atmagyan Timrandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Namilitam Ena Tasmai Shri Gurve Nama Shri Chaitanya Manobhistam Isthapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svabdantikam Vande Aham Shri Guru Shri Yut Padakamalam Shri Guru Nuvaishnavascha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitascha Mukam Karoti Vachalam Pangulangayati Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Guru Dinatarnam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirait Nashta Praesu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sivaya Bhagavate Uttam Ishloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Om Shanti 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 Bhavat Jai Gopal. आई मेरे प्रिय बहन भाइयों सत्संग प्रेमी जनों श्रोतागणों श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन है. भक्ति रस वर्षा जो भी भाई इस वर्षा में स्नान करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा. श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में हमारा सत्संग चल रहा है. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं. 10वां अध्याय पूर्ण रूप से भगवान अपनी योग ऐश्वर्य के विषय में कह रहे हैं. ये सारा वैभव फैला पड़ा है संसार में और ब्रह्मांड में, ये सब भगवान का ऐश्वर्य है. कोई कहता है कि यह मेरा है अज्ञानतावश, नहीं, सकल भूमि गोपाल की. ये पृथ्वी गोपाल की है, हमारी एक की नहीं, ना अमेरिका की है ना भारत की है, ना रशिया की है ना चाइना की है. ये तो गोपाल की भूमि है, ये तो भगवान की भूमि है. जब पूरी पृथ्वी ही भगवान की है तो ये पृथ्वी में से हम कुछ पत्थर लेकर के और उनकी सीमेंट बना करके कोई मकान खड़ा कर लेते हैं, ये इस पृथ्वी माँ के कुछ पेड़ों को गिरा करके लकड़ियों से दरवाजे बना लेते हैं, तो क्या हमारा हो गया? नहीं, सब भगवान का है. हम भी भगवान के हैं, तो भगवान से जुड़े रहने में हमको फायदा है. किरणों को फायदा है सूर्य से जुड़े रहने में. कोई किरण कहे कि नहीं, मैं तो अलग रहना चाहती हूं, तो थोड़े समय में उसको नष्ट हो जाएगी, प्रकाश नष्ट हो जाएगा, उसका तेज नष्ट हो जाएगा, कोई जानेगा भी नहीं किरण है कहीं पर. सूर्य से कनेक्टेड है इसलिए सब उसको जानते हैं कि आहा सूर्य की किरण है.
तो भगवान से जो जुड़ा रहता है उसको सारा जमाना यही कहता है आहा धन्य है, धन्य है वो भक्त जो भगवान से जुड़े हैं, धन्य है वो मानव जो भगवान से जुड़ा है, भगवान को बुलाया नहीं है। इस अध्याय के नौवें अध्याय में, इस अध्याय के नौवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि किस प्रकार से एक प्राणी मुझे रिझाता है, मेरे पास आता है, मेरे धाम को पा लेता है। ये रास्ता बतलाया अपने धाम को जाने का, परम धाम को जाने का, परम गति का। रियल गोल ऑफ दिस लाइफ वो लक्ष्य हमारे जीवन का क्या है, उस परम लक्ष्य को बतलाया। जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, बाकी लक्ष्य तो संसार के हैं, ये तो नष्ट होने वाले लक्ष्य हैं। कोई भी लक्ष्य आपका लंबे समय तक नहीं चलता, चाहे लक्ष्य आपका संतान पैदा करने का हो, या मकान पैदा करने का हो, या देश के किसी विशेष पद पर जाने का हो, या अपने शरीर को लंबी आयु तक ले जाने का हो, ये सब लक्ष्य कुछ समय के होते हैं। देखिए हमारा जीवन 70 और 60 के बीच में अटक गया, अधिकतर लोग 70 साल से पहले जाने लग गए, कोई कोई 80 पर पहुंचता है, 100 पे पहुंचने वाला तो बिड़ला होता है। तो हमारे ये लक्ष्य कितने अधूरे से हैं, कितने क्षण क्षणिक हैं। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित महाराज को कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार में कोई स्थिरता नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी स्थिरता नहीं है, उसमें चेंजिंग आती है और एक दिन मृत्यु उसको निगल जाती है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे पृथ्वी हो या आकाश और सूर्य हो, या ब्रह्मांड हो या अनंत ब्रह्मांड हो, ये सब जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने तो गीता में ही कहा है दूसरे अध्याय में कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है।